अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं होम कुकिंग जायका। आज हम शादियों वाली हैदराबादी रेड चिकन फ्राई बनाएंगे। ये चिकन सबकी फेवरेट होती है। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी होती है। चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे 2 kg चिकन लिया है। इसको अच्छे से वॉश करके हमने सारा पानी अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून अदरक पेस्ट ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून रोस्टेड चने को ऐड करेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, उसी का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, 2 पिंच कलर को ऐड करेंगे, रेड फूड कलर को ऐड करेंगे, 1 अंडे की सफ़ेदी ऐड करेंगे, 1 नींबू का रस ऐड करेंगे। इन सब मसालों को हम चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टू टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। overnight हम फ्रिज में चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जितना ज़्यादा मैरिनेट होगी उतना ही मज़ेदार चिकन बनेगी। ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। स्टोव पे हमने तेल को गर्म होने के लिए कढ़ाई में रख लिया है। अब हम इसमें चिकन को ऐड करेंगे। तेल को हम फर्स्ट अच्छे से गर्म कर देंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम स्टोव की फ्लेम को मीडियम में रख के चिकन के पीसेस को ऐड करेंगे। कढ़ाई में जितने पीसेस ऐड कर सकते हैं उतने ही पीस हम इसमें ऐड करेंगे। बस इतने से पीसेस हम कढ़ाई में ऐड करके पका लेंगे। 10 मिनट्स के लिए हमने इसको इसी तरीके से पकने के लिए रख लिया था। अब हम इसको टर्न कर लेंगे। दोनों साइड हम चिकन को अच्छे से पलट के पका लेते हैं। दोनों साइड अच्छे से हमने चिकन को फ्राई कर लिया है। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए चिकन कितनी क्रिस्पी बनी है। बची हुई सारी चिकन को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। फिर से हम कढ़ाई में जितनी चिकन ऐड कर सकते हैं उतनी चिकन के पीसेस ऐड करके इसको हम फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड हम चिकन को अच्छे से पलट के पका लिया है। अब हम इसमें थोड़े से करी पत्ते को ऐड करेंगे, इसका भी टेस्ट चिकन में अच्छे से आएगा। 2-3 मिनट के लिए हम करी पत्ते के साथ चिकन को भी फ्राई करेंगे। करी पत्ते के साथ चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम करी पत्ते के साथ चिकन को निकाल लेंगे। आपको ये रेसिपी कैसे लगी बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स में आप बताइएगा आपको ये हैदराबादी चिकन फ्राई कैसे लगी। फिर मिलेंगे हम न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।